आज बहुत खुशी हुई मुझे ये देख करके हमारे नौजवान यहाँ पर तकरीबन अपना कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन के लिए जवाब में हैं। साथ ही साथ हम लोगों को भी जो फेलिसिटेट किया गया है, देखिए हम लोग ये जो काम कर रहे हैं हम इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम एक मकसद लेके उठे हुए हैं। ये मकसद ये है कि हमारे से किस लोगों को पता होना। हम लोग बिहाइंड द स्क्रीन रह के बहुत काम करने के आदि थे, ख्वाहिश थी, लेकिन सोशल मीडिया वाले हम लोगों को बाहर लाए। वरना हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं ये काम, कभी किसी को नहीं मालूम कि हम लोग क्या काम करते हैं। ये लॉकडाउन में जब कोविड का बहुत ज़्यादा इशू बनने लगा तो ये टीम जो गुलबर्गा NGOs जो एक बिहाइंड द स्क्रीन काम करने के लिए उतरी थी टीम। अगर आप सही रास्ते चुनेंगे तो खुद का भी एक एम्पावरमेंट होगा और एक सोसाइटी के लिए भी हम कुछ कर पाएंगे। तो लिहाजा यही दिमाग में रहना है कि हमसे जैसा एजाज ने बताया कि हमसे कुछ फ़ायदा होना, ऐसा हम लोग अगर कुछ बताएंगे। एग्जांपल मतलब यहाँ पर किदवाई कैंसर हॉस्पिटल था, एजाज भाई हम जैसा एक टीम थी यहाँ पर, हम लोगों को सभी लोगों ने बताया कि ये तुम क्या करते हो, तुम हॉस्पिटल चालू नहीं कर सकते। हम बिहाइंड द सीन रह के काम किए, आज गुलबर्गा में किदवाई कैंसर हॉस्पिटल जो 1990 से था, 2005 में बंद हो गया था, वो आज आपको सर्विस दे रहा है। जो अचीवमेंट बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था, पिछले 5 साल में 62 बच्चे मरे थे, तो हमने यही कलम का सही इस्तेमाल किया। आज हम लोगों ने हाईकोर्ट से ऑर्डर लाया है PIL फाइल करके, आज आने वाले दिनों में यहाँ पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होगा। जो भी हमारे मासूम बच्चे जो मर रहे थे हार्ट का, जो ट्रीटमेंट नहीं करा पड़ रहे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपये देना पड़ रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहीं पर गुलबर्ग में उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जो है ऑपरेशन होगा। हालात के कदमों में सिकंदर नहीं झुकता, हालात के कदमों में सिकंदर नहीं झुकता, टूटे अगर तारा भी तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बहुत से दरिया, गिरते हैं बहुत से दरिया समंदर में, लेकिन कभी समंदर के अंदर दरिया नहीं गिरता। आने वाले वक्त में कम्युनिटी को नहीं, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत के लिए हमें क्या कर सकते हैं, क्या करना है, ये मुहिम, ये सोच अपने जहन में लेकर निकलें। जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि खुद के लिए कोई भी जीता है, हमें ये सोचना है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। हम तालीम हासिल करेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों में, खासकर मैं अगर कोविड की बात आपके सामने बताता चलूँ, तो कोविड के टाइम हमारे को हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डीन थे, मैनेजमेंट, पूरी कमिटी थी, हमें हमारे नामों से, 5-8 लोगों के नामों से हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए बैन लगाया था। वो इसकी वजह ये थी, वो बैन हमें लगाने की, कि हमने कोविड के पेशेंट्स के पास पहुंचकर उनकी हालत देख रहे थे, उनसे सुन रहे थे कि 4 दिन हम हो गए यहाँ पर एडमिट होकर, लेकिन कोई डॉक्टर आकर हमें पूछा नहीं, हमारे को कोई खाना नहीं दे रहा, हमें कोई टैबलेट नहीं दे रहा। ये चीज़ को हम पेशेंट्स के पास जाकर उसकी फ़ोटोज़ लेकर, वीडियोज़ लेकर, फिर हम लोग जो हॉस्पिटल के जिम्मेदार होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो DC होते हैं, उनके पास वो फोटोज पहुंचाते थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे बुलाने वाले हमारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चंद लम्हात मुझे यहाँ पे बोलने के लिए दिए हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, जिसमें आप एक कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको उस चीज़ की सर्टिफिकेट दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप एक चीज़ सीख चुके हैं। तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, हमारी एक आइडियोलॉजी ये है कि जो भी हम इल्म हासिल करते हैं,
और जो भी हम एक चाहे दुनियावी इल्म हो या आखिरत के लिए इल्म हो, उसका एक हम ये सोचिए हासिल करते हैं कि इसका हम फ़ायदा दूसरों तक पहुँचाना बल्कि। कोरोना फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आज हमारे मोहम्मद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनको फेलिसिटेट किया गया, इनके काम को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, और साथ ही इसके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है उन्हें सर्टिफिकेट भी दी गई है। तो मैं अल्लाह तबारक वाले से ये दुआ करता हूँ कि हमें हर पेंडेमिक से महफूज रखे, सेफ रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, और बच्चों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद रोटी कपड़ा बैंक की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से हमें यहाँ पे बुलाया गया। आज यहाँ पर मोहम्मद कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए गए उनके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। ये हमें इसके दौरान जब यहाँ आने के बाद हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पर 200 से ज़ायद ख़वातीन भी यहाँ पर तालीम लेती हैं, कंप्यूटर की तालीम लेती हैं, टेलरिंग सेंटर के सिखाया जाता है, मेहंदी के डिज़ाइन सिखाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ अलग अलग सेशन में ये लोग काम कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी बात है बिना कौम और मिल्लत देखे हुए। जैसे कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई सचिन हैं, आदर्श हैं, ये तमाम यानी कि सब कास्ट को लेकर एक शुरू से ही लोगों के हमारे नौजवानों के जहन में बिठाया जा रहा है कि हर भारत का हर नागरिक एक दूसरे का भाई है। अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, वो क्या है, जब आप अपने खुद के पैरों पर ठहरेंगे, जैसा ये लोग बैठकर जैसा एक ये खिदमत खल्क का जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए फ्री में ऐसे सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर आप भी अपने पैरों पर ठहरेंगे। जब ठहरेंगे तो आप भी ऐसा ही काम करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। जब भी जहां पर भी समाज के अंदर बुराई दिख रही है आपको, बोले तो वो बुराई को आप रोकेंगे इंशाल्लाह, रोकेंगे नहीं। जब भी समाज के अंदर जो भी बुराई दिखी आप उसको रोकेंगे और लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएंगे। ये बच्चे जो आज यहाँ पर सीख कर जा रहे हैं, तो इन्हों आने वाले दिनों में माशरे को सुधारने के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। मोहम्मदी कंप्यूटर्स की तरफ से सिर्फ मुझे इतना ही पता था कि कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि अलग अलग सेक्शंस में लोग काम कर रहे हैं। जैसे औरतों को टेलरिंग सिखाना है, ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आज हमारे माशरे में माश की बहुत ज़्यादा तंगी देखी जा रही है। तो इसको दूर करने के लिए हमारे औरतें भी घर बैठे अपने कारोबार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वैसे चीज़ें भी ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ गरीबों को अगर खाने की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लोग लोगों से खाना लेकर सेंटर्स बनाए हैं जहाँ से खाना भी लोगों को फ्री दिया जाता है। तो एक अच्छा काम है, गुलबर्गा के लेवल पर कर रहे हैं।